आज हम आपको मैक्सिमम एंड मिनिमा का कंटेंट पढ़ाने जा रहा हूँ। मैक्सिमा और मिनिमा, मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो मैक्सिमा और मिनिमा की शुरुआत हम एग्जाम्पल से करते हैं। वैसे तो मैक्सिमा और मिनिमा का मतलब होता है किसी फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू से, कि वो फंक्शन किस पॉइंट पे मैक्सिमम होगा, ठीक, और किस पॉइंट पे मिनिमम होगा। फंक्शन अगर किसी पॉइंट पे मैक्सिमम है तो उस पॉइंट पे फंक्शन की जो वैल्यू निकालेंगे वो उस पॉइंट पे फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू होगी, और फंक्शन जिस पॉइंट पे मिनिमम होगा उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे तो फंक्शन की मिनिमम वैल्यू होगी। तो इस कंटेंट में हम लोग ये पढ़ेंगे कि किसी फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कैसे निकालते हैं, ठीक। तो यहाँ मैक्सिमम और मिनिमा के यहाँ पे दो अप्रोच यूज किए जाते हैं, एक जनरल मेथड, एक जनरल मेथड, और सेकंड जो है डेरिवेटिव मेथड। तो पहले हम जनरल मेथड से किसी फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कैसे निकालते हैं वो बताते हैं। तो एग्जांपल से शुरुआत कर रहे हैं, एग्जांपल से शुरुआत कर रहे हैं। जैसे मान लो फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ फंक्शन इफ एनी। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये है, एफ एक्स इज इक्वल टू 2x-1 का होल स्क्वायर प्लस 1। सेकंड क्वेश्चन भी इसी में आपको दे रहा हूँ, एफ एक्स इज इक्वल टू 9x² प्लस 12x प्लस 2। तो पहला क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको कि इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो यहाँ मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए दो अप्रोच यूज कर सकते हैं, एक जनरल अप्रोच और एक डेरिवेटिव अप्रोच। ये डेरिवेटिव अप्रोच से भी सॉल्व कर सकते हैं और एक जनरल अप्रोच से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन बोर्ड में ये नहीं पूछा जाता है। जैसे ये क्वेश्चन आ गया और ये कहा जाए कि इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड कीजिए, तो आप जनरल तरीके से भी इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, और दूसरा जो है डेरिवेटिव मेथड से भी इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो चूंकि ये सिंपलर फंक्शन है इसलिए इस सिंपलर फंक्शन की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू आप जनरल तरीके से भी फाइंड कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एफ एक्स इज इक्वल टू 2x-1 का होल स्क्वायर प्लस 1। यहाँ देखो 2x-1 का होल स्क्वायर की वैल्यू किसी भी रियल नंबर के लिए 2x-1 का होल स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, या x के प्लेस पे कुछ भी रियल वैल्यू पुट करेंगे क्या होगा। मान लो 0 पुट किया जाए तो क्या होगा, प्लस होगा, और 1/2 पुट किया जाए तो 0 होगा। इसकी वैल्यू क्या होगी, या तो 0 से ग्रेटर होगी या तो 0 के क्या होगी, इक्वल होगी। तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब दोनों साइड में 1 1 ऐड कर दें तो 2x-1 का होल स्क्वायर प्लस 1, यहाँ भी क्या करेंगे 1 ऐड कर देंगे तो 1 हो जाएगा ये। अब ये देखो 2x-1 का होल स्क्वायर प्लस 1 ये किसके बराबर है, एफ एक्स के बराबर है। तो एफ एक्स इज इक्वल टू, एफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो गया, एफ एक्स की वैल्यू 1 या 1 से ग्रेटर होगी। इसका मतलब एफ एक्स की मिनिमम वैल्यू 1 हो गई, अब मैक्सिमम वैल्यू की कोई लिमिटेशन नहीं है। इसकी मैक्सिमम वैल्यू कुछ भी हो सकती है, इनफाइनाइट भी हो सकती है। इसका मतलब फंक्शन की कोई मैक्सिमम वैल्यू डिफाइन नहीं हो रही, इसलिए फंक्शन की कोई मैक्सिमम वैल्यू नहीं होगी, ठीक। तो क्या लिखेंगे, एफ एक्स की मिनिमम वैल्यू, तो मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन, मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन, मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन एफ एक्स इज क्या होगा, 1 होगा, और फंक्शन की कोई मैक्सिमम वैल्यू नहीं होगी क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू डिफाइन ही नहीं हो सकती है, क्योंकि एफ एक्स की वैल्यू क्या है, 1 से ग्रेटर है। तो 1 से ग्रेटर का मतलब क्या हुआ, ये इनफाइनाइट तक जाएगा, ठीक। इसका मतलब फंक्शन की कोई मैक्सिमम वैल्यू नहीं होगी, यानी देयर इज नो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन, या फंक्शन हैज नो मैक्सिमम वैल्यू। इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। सेकंड क्वेश्चन, एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, 9x² प्लस 12x+2 है। इसको सॉल्व किया जाए, इसको परफेक्ट स्क्वायर बना दे थोड़ा, क्योंकि इसको हमें जनरल तरीके से करना है, डेरिवेटिव अप्रोच से नहीं करना है। तो 3x का होल स्क्वायर अब प्लस 2 × 3x इंटू क्या होगा, प्लस 2 × 2, यानी ये 12x हो गया। अब प्लस 2 का स्क्वायर ऐड कर दो
और माइनस टू का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दो या प्लस टू लिख दो, और ये क्या हो जाएगा मिलकर, ये मिलकर आपका हो जाएगा 3x+2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये -4+2 यानी क्या हो, -2 हो गया। यानी फंक्शन को ऐसे लिखेंगे। अब क्या करेंगे, 3x+2 का होल स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी। यानी किसी भी रियल नंबर का ये क्या है, 3x+2 का होल स्क्वायर, यानी x के प्लेस पे कोई भी रियल नंबर लेंगे, कोई भी रियल नंबर लेंगे तो इसकी वैल्यू या तो क्या होगी, 0 होगी या तो पॉजिटिव होगी। अब -2 ऐड कर दिया जाए, 3x+2 का होल स्क्वायर -2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा, -2। ठीक, यहां बता रहे हैं। तो यहां देखो 3x+2 का होल स्क्वायर -2 क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, यानी एफ एक्स की वैल्यू क्या, सॉरी, इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2, क्योंकि -2 दोनों साइड हमने ऐड किया है, इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2। ये किसके बराबर हो गया, फंक्शन के बराबर हो गया, ये फंक्शन के बराबर, एफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया, एफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2 हो गया। इसका मतलब एफ एक्स की वैल्यू क्या, -2 से ग्रेटर होगी, -2 होगी या -2 से ग्रेटर होगी, -2 या -2 से ग्रेटर होगी। इसका मतलब मिनिमम वैल्यू कितनी भी -2 होगी, यानी फंक्शन की मिक्सअप मिनिमम वैल्यू, यानी मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन, मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स इज -2, और देर आर नो मैक्सिमम वैल्यू, यानी फंक्शन हैज नो मैक्सिमम वैल्यू, एफ एक्स हैज नो मैक्सिमम वैल्यू, यानी फंक्शन की कोई मैक्सिमम वैल्यू नहीं होगी। ठीक, अब हम लोग आते हैं एग्जाम्पल टू, उसको भी जनरल तरीके से ही सॉल्व करेंगे। वो मॉड वाले क्वेश्चन है, वो मॉड वाले क्वेश्चन है एग्जाम्पल टू। फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन। पहला क्वेश्चन है, एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड x+2 -1। सेकंड पार्ट है आपका, माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस मॉड x+1+7 मान लो है। एक क्वेश्चन ये है, एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड साइन 11x-3। ठीक, ये आपका क्वेश्चन है फर्स्ट। एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, मॉड x+2-1, और हम जानते हैं, वी नो दैट मॉड ऑफ x+2, यानी मॉड के अंदर कुछ भी लिखा हुआ है, x+2 लिखा है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, इस पूरे की वैल्यू जो होगी या तो 0 होगी या तो 0 से ग्रेटर होगी, क्योंकि मॉड की वैल्यू क्या होती है, जैसे मॉड एक्स की वैल्यू क्या होगी, ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी, यानी इसकी वैल्यू या तो 0 होगी या तो पॉजिटिव, यानी इसकी वैल्यू कभी भी निगेटिव नहीं हो सकती है। तो मॉड x+2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दोनों ओर -1 ऐड कर दें, मॉड x+2-1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1, ये एफ ऑफ एक्स हो गया, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या हो गई, -1 से ग्रेटर हो गई। इसका मतलब फंक्शन हैज मिनिमम वैल्यू, यानी फंक्शन की मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन, मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन इज -1, और फंक्शन की कोई मैक्सिमम वैल्यू नहीं होगी, यानी फंक्शन है एफ एक्स हैज नो मैक्सिमम वैल्यू, फंक्शन की कोई मैक्सिमम वैल्यू नहीं होगी। ठीक, सेकंड, एफ एक्स इज इक्वल टू -mod x+1+7 है, ये भी आसान है, देख लेंगे आप। मॉड x+1 की वैल्यू क्या होगी, ऑलवेज 0 से ग्रेटर होगी, माइनस से मल्टीप्लाई कर देते, क्या -mod x+1 क्या होगा, जब हम लोग इनइक्वालिटी, ये इनइक्वालिटी है ना, तो इनइक्वालिटी में जब हम लोग माइनस
किसी भी निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। अब दोनों ओर 7 7 ऐड कर दें, दोनों ओर 7 7 ऐड कर दें तो माइनस मॉड एक्स प्लस वन प्लस सेवन इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा, 0 प्लस 7, 0 प्लस 7, तो ये एफ एक्स हो गया। तो एफ एक्स इज सॉरी ये आपका क्या हो गया, 7 ऐड किया गया है, 7 लेस देन इक्वल टू 7, तो एफ एक्स की वैल्यू क्या हो, ये एफ एक्स के बराबर हो गया। देख लीजिए आप, माइनस मॉड एक्स प्लस वन प्लस सेवन एफ एक्स के बराबर होगा, तो एफ एक्स इज लेस देन 7, यानी एफ एक्स की वैल्यू क्या होगी, 7 या 7 से लेस होगी, 7 या 7 से लेस होगी। इसका मतलब एफ एक्स की मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे ये कह रहा है कि एफ एक्स की वैल्यू 7 होगी या 7 से लेस होगी, यानी एफ एक्स की ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू 7 होगी और कम से कम वैल्यू क्या होगी, 7 से लेस क्या होगा, माइनस इन्फाइनाइट होगा, यानी फंक्शन की कोई मिनिमम वैल्यू नहीं होगी। तो क्या लिखेंगे, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन इज, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ यहाँ बता रहे हैं आपको, एफ एक्स की वैल्यू क्या है, 7 या 7 से लेस है, इसका मतलब फंक्शन है, फंक्शन हैज मैक्सिमम वैल्यू, फंक्शन है 7 एज मैक्सिमम वैल्यू, दैट मीन्स मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स इज 7 एंड देयर इज नो मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन, नो मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन, यानी फंक्शन की कोई मिनिमम वैल्यू नहीं हुई। एक क्वेश्चन ये है आपका, एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड साइन 11x-3 है, एफ एक्स इज इक्वल टू क्या, ये थर्ड क्वेश्चन है, एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड साइन 11x- कितना था, 3 था, हम जानते हैं साइन 11x यानी किसी भी एंगल के लिए साइन की वैल्यू क्या होती है, -1 और 1 के बीच में होती है, ये ध्यान देना, यानी किसी भी एंगल के लिए साइन की वैल्यू, ये 11x एंगल है ना, इस एंगल के लिए साइन की वैल्यू, यानी किसी भी एंगल के लिए साइन की वैल्यू -1 और 1 के बीच में होगी, -1 और 1 के बीच में होगी। -3 ऐड कर दें तो -1 -3 इज ग्रेटर देन इज लेस देन इक्वल टू साइन 11x-3 इज लेस देन इक्वल टू -3, 1 -3, तो -4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा, साइन 11x-3 लेस देन इक्वल टू -2। क्या बता सकते हो कि फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, जब मॉड यूज करेंगे तो क्या होगा, साइन 11x-3 की वैल्यू क्या होगी, मॉड जब यूज करेंगे तो क्या होगा, देखो ये अगर मॉड में है तो क्या होगा, साइन 11x-3 अगर ये जैसे मान लो ये मॉड में है, मॉड -4 तो क्या हो जाएगा, 4 होगा, और मॉड -2 क्या हो जाएगा, 2 होगा। तो इसको ऐसे लिखेंगे, इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एंड लेस देन इक्वल टू क्या होगा, 4 होगा। इसको मॉड में रखें तो मॉड -4 का मतलब 4, इसका मतलब साइन 11x-3 की वैल्यू क्या होगी, इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगी, लेस देन इक्वल टू 4 होगी। इसका मतलब इसको एफ एक्स ले लें, इसको एफ ऑफ एक्स ले लें, क्योंकि एफ ऑफ एक्स को क्या माने थे, मॉड 11 साइन 11x-3, तो एफ एक्स की मिनिमम वैल्यू कितनी हुई, 2 हुई, देयर फोर मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन, मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन इज 2 एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन इज 4, फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हुई, 4 हो गई। ठीक,
अब हम लोग ये मूव करते हैं कि मैक्सिमा और मिनिमा फाइंड करने के लिए डेरिवेटिव अप्रोच कैसे यूज करते हैं। डेरिवेटिव मेथड फॉर फाइंडिंग लोकल मैक्सिमम वैल्यू एंड लोकल मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन। ठीक, तो किसी फंक्शन की लोकल मैक्सिमम वैल्यू और लोकल मिनिमम वैल्यू हम लोग कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पे डेरिवेटिव के दो मेथड यूज किए जाते हैं। एक होता है फर्स्ट फर्स्ट जो है डेरिवेटिव मेथड, फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड, और दूसरा जो है सेकंड डेरिवेटिव मेथड, सेकंड डेरिवेटिव मेथड। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं फर्स्ट फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड। तो फर्स्ट जो है डेरिवेटिव मेथड से किसी फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कैसे निकालते हैं, यानी पहले यानी डेरिवेटिव के पहले मेथड से, यानी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव यूज करके, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव यूज करके फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, इसके बारे में हम आपको एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। पहला, राइट फंक्शन, पहले फंक्शन लिखिए। सेकंड, फाइंड एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स का मतलब फंक्शन को डिफ्रेंशिएट कीजिए, डिफरेंशिएट एफ डैश एक्स, यहां लिख दे रहे हैं डिफरेंशिएट एफ एक्स। जब एफ एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो एफ डैश एक्स पाएंगे, फिर एफ डैश एक्स को जीरो के इक्वल इक्वेट करते हैं। मान लो एफ डैश एक्स को जीरो के इक्वल इक्वेट करने पे एक्स की वैल्यू ये आ रही है, ए बी सी आ रही है, मान लो ए बी सी आ रही है। तो एफ डैश एक्स को जब जीरो के इक्वल इक्वेट करेंगे तो एक्स की वैल्यू ए बी सी आएगी। तो ये क्या हो गए, ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा या पॉइंट ऑफ मिनिमा हो सकते हैं, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा या पॉइंट ऑफ मिनिमा हो सकते हैं। जैसे मान लो ये फंक्शन है, हम इसका ग्राफ बना रहे हैं, फंक्शन का, ये फंक्शन का ग्राफ है, ये एक्स एक्सिस है और ये एक्स का एक्सिस है। तो एक्सट्रीम पॉइंट यही होते हैं, देखो जरा, यही एक्सट्रीम पॉइंट होते हैं। ये फंक्शन का ग्राफ है, ये किसका ग्राफ है, एफ एक्स का ग्राफ है, और ये क्या है, एक्सट्रीम पॉइंट है। तो एक्सट्रीम पॉइंट हम कैसे निकालते हैं, यानी जिस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम या मिनिमम हो सकती है उनको एक्सट्रीम पॉइंट बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं, एक्सट्रीम पॉइंट, या टर्निंग पॉइंट भी कह सकते हैं, या ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा या पॉइंट ऑफ मिनिमा हो सकते हैं। तो देखो, एक्सट्रीम पॉइंट से ड्रॉ किया गया टेंजेंट क्या होगा, एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा, एक्स एक्सिस के यहां क्या होगा, पैरेलल होगा, यहां भी एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। तो इस फंक्शन को जब डिफरेंशिएट करेंगे तो एफ डैश एक्स आएगा, और एफ डैश एक्स क्या है, ये फंक्शन का जो ग्राफ है, फंक्शन का जो ग्राफ है उसके किसी पॉइंट से ड्रॉ किए गए टेंजेंट का स्लोप होता है। एफ डैश एक्स क्या होता है, एफ एक्स का जो ग्राफ है उसके किसी पॉइंट से ड्रॉ किए गए टेंजेंट का स्लोप होता है। चूंकि यहां टेंजेंट क्या है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो टेंजेंट जब एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है तो स्लोप जीरो होता है, तो ये स्लोप को रिप्रेजेंट करता है, तो एफ डैश एक्स जीरो होगा। जब एफ डैश एक्स को जीरो के इक्वल इक्वेट करेंगे तो एक्स इज इक्वल टू पाएंगे ए, एक्स इज इक्वल टू बी, कुछ भी पा सकते हैं। यहाँ हम इमेजिन कर रहे हैं एक्स की वैल्यू ए बी सी आ गई। अब चूंकि हमें ये यूज करना है, फर्स्ट जो है डेरिवेटिव मेथड यूज करना है, तो एक्स इज इक्वल टू ए को लेके चेक करते हैं, एक्स की वैल्यू ए को लेके चेक करते हैं। अगर एक्स की वैल्यू ए से लेस है और एफ डैश एक्स का साइन क्या है, पॉजिटिव है, और एक्स इज ग्रेटर देन ए पे एफ डैश एक्स का साइन क्या है, निगेटिव है। मान लो यही एक्स इज इक्वल टू ए है, यही ए है, तो एक्स की वैल्यू जब ए से लेस लेंगे उससे ड्रॉ किए गए टेंजेंट का स्लोप क्या होगा, मान लो पॉजिटिव आ गया, फिर एक्स की वैल्यू ए से ग्रेटर लेते हैं, उस पॉइंट से ड्रॉ किया गया टेंजेंट क्या होगा, देखो टेंजेंट ये है, टेंजेंट आपका ये है, टेंजेंट आपका ये है, तो टेंजेंट का इंक्लिनेशन क्या है, 90 से अधिक है, यानी ऑब्ट्यूस एंगल है। जब ऑब्ट्यूस एंगल है तो उसका तो उसकी टेंजेंट वैल्यू क्या होगी, निगेटिव होगी। तो अगर एक्स की वैल्यू ए से लेस है, एफ डैश एस की वैल्यू पॉजिटिव है, एक्स की वैल्यू ए से ग्रेटर है, एफ डैश एस की वैल्यू निगेटिव है, तो इसका मतलब एफ डैश एस का साइन क्या हो रहा है, पॉजिटिव से निगेटिव हो रहा है, इसलिए एक्स इज इक्वल टू ए
यानी साइन ऑफ एफ डैश एक्स, साइन ऑफ एफ डैश एक्स चेंजेस फ्रॉम, चेंजेस फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, देयर फोर एक्स इज इक्वल टू ए इज पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा कह सकते हैं, या सिंपल मैक्सिमा कह लिए, लोकल मैक्सिमा, लोकल मैक्सिमा। फिर एक्स इज इक्वल टू बी को लेके टेस्ट करें, एक्स की वैल्यू बी से लेस है, एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या है, निगेटिव है, और एक्स इज ग्रेटर देन बी पे एफ डैश एक्स की वैल्यू भी क्या है, पॉजिटिव है। तो एफ डैश एक्स का साइन क्या हो रहा है, पॉजिटिव से निगेटिव हो रहा है, निगेटिव से पॉजिटिव हो रहा है, तो एक्स इज इक्वल टू बी इज पॉइंट ऑफ क्या होगा, लोकल मिनिमा होगा। ठीक, तो यहाँ क्या होगा, एक्स इज इक्वल टू बी यहाँ कर दे रहे हैं, एफ डैश एक्स का साइन क्या हो रहा है, निगेटिव से पॉजिटिव हो रहा है, साइन ऑफ एफ डैश एक्स चेंजेस फ्रॉम निगेटिव टू पॉजिटिव, देयर फोर एक्स इज इक्वल टू बी इज पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। क्या है एक्स इज इक्वल टू बी, क्या पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा है। अब फिर इस पे देखते हैं, एक्स इज इक्वल टू सी पे, एक्स इज इक्वल टू सी पे एफ डैश एक्स की वैल्यू सी से लेस लेते हैं, एफ डैश एक्स का साइन मान लो पॉजिटिव आ गया, और एक्स इज ग्रेटर देन सी पे भी एफ डैश एक्स का साइन निगेटिव आ रहा है, सॉरी ये भी पॉजिटिव आ रहा है, यानी एफ डैश एस का साइन चेंज नहीं हो रहा, मान लो निगेटिव निगेटिव आता हो या पॉजिटिव पॉजिटिव आ रहा है, यानी एफ डैश एस का साइन चेंज नहीं हो रहा, देयर फोर एक्स इज इक्वल टू सी इज नाइदर नेदर पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और पॉइंट ऑफ मिनिमा, पॉइंट ऑफ मिनिमा। तो ऐसे केस में एक्स इज इक्वल टू सी को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन इज कॉल्ड, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन याद करिए, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन एक्स इज इक्वल टू सी क्या कहलाएगा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो ये पता होगा कि एक्स इज इक्वल टू ए क्या है, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा है, और एक्स इज इक्वल टू बी क्या है, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। तो ये ध्यान देना, आप फंक्शन की लोकल मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, तो एक्स इज इक्वल टू ए कहाँ पुट करेंगे, फंक्शन में पुट करेंगे, तो क्या होगा, फंक्शन की लोकल मैक्सिमम वैल्यू होगी, और एक्स इज इक्वल टू बी क्या है, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा है, तो एक्स इज इक्वल टू बी फिर फंक्शन में पुट करेंगे तो फंक्शन की क्या होगी, लोकल मिनिमम वैल्यू होगी, यानी एफ ए क्या होगा, लोकल मैक्सिमम वैल्यू होगी, लोकल मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन इज क्या होगा, एफ ऑफ ए होगा, और लोकल मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन, मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन इज क्या होगा, एफ एक्स इज एफ ऑफ बी होगा। तो इस तरह से लोकल मैक्सिमम वैल्यू और लोकल मिनिमम वैल्यू हम लोग फाइंड करेंगे। ठीक है, इसके बाद सेकंड जो है डेरिवेटिव टेस्ट कैसे करेंगे, सेकंड पार्ट, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, इसको भी रफली हम बता रहे हैं। पहला एफ एक्स लिखते हैं, फिर एफ डैश एक्स लिखते हैं, फिर एफ डैश एक्स को जीरो के इक्वल इक्वेट करते, सेम प्रोसीजर है जो फर्स्ट ऑर्डर जो है डेरिवेटिव टेस्ट का है। फिर मान लो एक्स की वैल्यू ए बी सी आ गई, फिर क्या निकालते हैं, फिर फाइंड करते हैं एफ डबल डैश एक्स, फाइंड करते हैं, फाइंड करते हैं, फिर एक्स इज इक्वल टू ए पे एफ डबल डैश एक्स का साइन अगर क्या है, निगेटिव है, तो एक्स इज इक्वल टू ए इज पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, और एफ डबल डैश ए पे, सॉरी एक्स इज इक्वल टू बी पे, एक्स इज इक्वल टू बी पे एफ डबल डैश एक्स का साइन अगर क्या है, निगेटिव है, सॉरी पॉजिटिव है, तो एक्स इज इक्वल टू बी इज पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। और एक्स इज इक्वल टू सी पे अगर एफ डबल डैश एक्स का वैल्यू जीरो है, देन वी गो टू फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, देन वी गो टू फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, कहाँ जाते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट की ओर जाते हैं। तो ये क्लियर हो गया कि एक्स इज इक्वल टू ये क्या, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा है, तो फंक्शन की लोकल मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, देयर फोर लोकल मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन एट एक्स इज इक्वल टू ए इस क्या होगा, एफ ऑफ ए होगा, और लोकल मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन एट एक्स इज इक्वल टू बी क्या होगा, एफ बी होगा। तो ये वो फंक्शन की लोकल मैक्सिमम वैल्यू और फंक्शन की लोकल मिनिमम वैल्यू। तो
सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। देखो भाई, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट और सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट कहाँ यूज करना चाहिए? वैसे तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट आसान होता है, लेकिन लेकिन उसकी भी कुछ अहमियत है। फर्स्ट जो है डेरिवेटिव टेस्ट की भी कुछ अहमियत है। फर्स्ट जो है डेरिवेटिव टेस्ट वहाँ यूज करना चाहिए जहाँ पे फंक्शन ऐसा है कि उसको सेकंड टाइम डिफ्रेंशिएट करने के बाद, फंक्शन ऐसा हो कि उसको सेकंड टाइम डिफ्रेंशिएट करने के बाद, ठीक, जो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा पॉइंट ऑफ मिनिमा की जो वैल्यू है वो रखने पे ये चेक करना आसान ना हो कि पॉजिटिव है या निगेटिव है, तो वहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट का हम लोग यूज करते हैं। वैसे तो कॉमन मेथड यही है, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट है। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट सबसे पॉपुलर मेथड है, लेकिन कभी कभी जो है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के बजाय हम लोग सॉरी सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट के बजाय फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट भी यूज करते हैं। कहाँ यूज करते हैं? जहाँ पे हमें सेकंड टाइम डिफ्रेंशिएट करने के बाद से जब वैल्यू पुट करनी हो और उसमें ये चेक करना पॉजिटिव या निगेटिव है, तो ये आसानी से अगर चेक नहीं होता है तब वहाँ पे उसको प्रियोरिटी देंगे। किसको? फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट को प्रियोरिटी देंगे, ठीक ना। लेकिन सबसे कॉमन मेथड यही है, सबसे पॉपुलर मेथड है, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट है। अब आते हैं कुछ क्वेश्चंस, शुरू करते हैं। फाइंड द लोकल, फाइंड लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा ऑफ फंक्शन अगर एग्जिस्ट कर रहा तब। ऑल्सो फाइंड लोकल मैक्सिमम वैल्यू एंड लोकल मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन। हम यहाँ पे चार क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन बताएंगे। एक क्वेश्चन ये है कि एक्स क्यूब माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 15। दूसरा क्वेश्चन ये बताएंगे आपको, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और यहाँ एक बाउंड्री दी हुई है क्योंकि साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अगर हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करके जीरो के इक्वल इक्वेट करें तो एक्स की इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यू होगी, तो इसको लिमिट करने के लिए, यानी लिमिट करने के लिए यहाँ मान लिया गया जीरो, और एक्स की वैल्यू जीरो और टू पाई के बीच में होना चाहिए। और तीसरा क्वेश्चन ये है कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू रूट वन माइनस एक्स, और जबकि एक्स क्या होना चाहिए? जीरो और वन के बीच में होना चाहिए। तो पहला क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 15। इसकी क्या निकालनी है? लोकल मैक्सिमम वैल्यू और लोकल मिनिमम वैल्यू निकालनी है। तो ये तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से हो जाएगा, अगर इसको सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से यूज करेंगे, अगर इसको सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट यूज करके मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालें तो आसान रहेगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या यूज करेंगे? सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट यूज करेंगे, यानी इस फंक्शन की लोकल मैक्सिमम वैल्यू और लोकल मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे? सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट यूज करेंगे। यहाँ लिखा हुआ फाइंड लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा ऑफ फंक्शन। लोकल मैक्सिमा का मतलब क्या हुआ? लोकल मैक्सिमा का मतलब ये होता है कि फंक्शन जिस पॉइंट पे मैक्सिमम है या लोकली मैक्सिमम है तो उस पॉइंट को बोलते हैं लोकल मैक्सिमा बोलते हैं। लोकल मैक्सिमा का मतलब पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, और लोकल मिनिमा का मतलब होता है पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, ठीक। तो यहाँ हमने हमें क्या निकालना पहले कि ये फंक्शन किस पॉइंट पे क्या है, मैक्सिमम है और किस पॉइंट पे मिनिमम है, और उसके अलावा ये भी फाइंड करना है कि इस फंक्शन की लोकल मैक्सिमम वैल्यू और लोकल मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है। तो आइए हम चलते हैं, ठीक, किसकी ओर? सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट की ओर बढ़ते हैं कि इस फंक्शन की लोकल मैक्सिमम वैल्यू और लोकल मिनिमम वैल्यू जो है सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट के हेल्प से निकालते हैं।
तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में क्या था? तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में ये था कि पहले फंक्शन लिखेंगे और फिर उसको डिफरेंशिएट करेंगे, यानी एफ डैश एक्स लिखेंगे। एफ डैश एक्स कितना होगा? देखो, 3x² - 12x, 3x² - 12x, -12x, 6 2 = 12, x+9। यहाँ हम गलती कर 3x² थे। अब एफ डैश एक्स को 0 के इक्वल इक्वेट करो, एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा? पहले इसको फैक्टराइज करो, 3 कॉमन लेंगे, x² - 4x+3 होगा। फैक्टराइज करें इसको, x-1 और x-3 होगा फैक्टर। भाई ये छोटी छोटी चीजें हैं कि फैक्टराइज कैसे करते हैं। फिर एफ डैश एस को क्या करेंगे? 0 के इक्वल इक्वेट करेंगे। क्या आएगा यहाँ पे? 3 × x-1, x-3 इक्वल टू 0 होगा। तो x की वैल्यू क्या मिली हमें? x की वैल्यू 1 मिली और 3 मिली। यानी ये पॉइंट्स क्या हैं? दीज आर एक्सट्रीम पॉइंट, या दीज पॉइंट्स मे बी पॉइंट ऑफ मैक्सिमा एंड पॉइंट ऑफ मिनिमा। ऐसे लिख दो कि दीज पॉइंट मे बी पॉइंट ऑफ मैक्सिमा एंड पॉइंट ऑफ मिनिमा। ये एक्सट्रीम पॉइंट भी कह सकते हैं, इसको एक्सट्रीम पॉइंट भी कह सकते हैं, या इसको हम लोग ये भी कह सकते हैं कि ये कैंडिडेट ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा है। अब क्या करेंगे? चूंकि यहाँ पे हमें सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट यूज करना है, तो एफ डबल डैश एक्स फाइंड करें। फिर एफ डबल डैश एक्स फाइंड कर लीजिए, इसको फाइंड कीजिए, ये वाला, ये चीज। तो क्या होगा? 6x-12 हो जाएगा, 3 2 = 6 - 12। अब क्या करें? एक एक को चेक करें, x इजिकल टू 1 को लेके चेक करें, x इजिकल टू 1 पे देखें, x इजिकल टू 1 पे देखें हम एफ डबल डैश 1 फाइंड करें, एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू क्या होगी? एट x इजिकल टू 1 पे एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू क्या होगी? 6 × 1 - 12। हालांकि यहां पे लिखना चाहिए एफ डबल डैश 1, ठीक है, यहां लिख दो एट एक्स इजिकल टू 1, एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू क्या हो रही है? निगेटिव हो रही है, -6, यानी निगेटिव हो रही है। ओवरऑल क्वांटिटी से नहीं मतलब है, साइन से मतलब क्वांटिटी। तो एक्स इजिकल टू 1 पे एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू निगेटिव है, तो एक्स इजिकल टू 1 इज पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। क्या हो गया? पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा हो गया, लोकल मैक्सिमा। ये पार्ट वन रहा, पार्ट टू। अब एक्स इजिकल टू 3 पे देखते हैं, एफ डबल डैश एक्स को देखते हैं, तो क्या हुआ? 6 × 3 - 12 कितना आएगा? +6 आएगा, यानी ये पॉजिटिव आ रही है। तो एफ डबल डैश एक्स का साइन पॉजिटिव, ये हमेशा याद रखिएगा कि एक्स की जिस वैल्यू के लिए एफ डबल डैश एक्स का साइन अगर निगेटिव हो रहा, साइन अगर निगेटिव होगा तो मैक्सिमम होगा, और साइन अगर पॉजिटिव होगा तो मिनिमम होगा। तो एक्स इजिकल टू 3 इज क्या होगा? एक्स इजिकल टू 3 इज पॉइंट ऑफ लोकल, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा होगा। तो ये होगा लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा हो गया। अब क्या निकालना है? मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। अब यहां लिखो लोकल, लोकल मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन एट एक्स इजिकल टू 1 क्या होगा? एफ वन होगा। एफ वन की वैल्यू क्या होगी? कहां से जाएंगे आप? फंक्शन में पुट करेंगे, ये फंक्शन है, इसमें एक्स के प्लेस पे 1 पुट करो, तो साफ साफ दिखाई दे रहा, 1 - 6 + 9, 1 - 6 + 9 + 15, 24 और -24 से 25, 19 आएगा। क्या आएगा? 19 आएगा। लोकल मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी? 19 आएगी। यहाँ एक्स के प्लेस पे 1 रखेंगे, और फिर लोकल, थोड़ा यहाँ हम स्पेस ले लेते हैं, लोकल मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन एट एक्स इजिकल टू 3 क्या होगा? एफ 3 होगा। एफ 3 की वैल्यू क्या होगी? यहां लिखते हैं 3 का³ - 6 × 3 का²
प्लस 9 इंटू 3 और प्लस 15, 27 माइनस 54 प्लस 27 यानी 15 आएगी एक तरह से, क्योंकि ये 27 हो गया और ये भी 27 हो गया और माइनस 54 15 15 आएगा। तो ये लोकल मैक्सिमम वैल्यू हो गई, लोकल मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो गई इसकी 19 हो गई, और लोकल मिनिमम वैल्यू क्या हुई 15 हुई। यानी ये आपका आंसर है, ये आपका आंसर है, यही फोकस कर रहे हैं हम, और ये आपका पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम एक्स इज इक्वल टू 1 हुआ, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम एक्स इज इक्वल टू 3 हो गया। तो ये हो गया आपका लोकल मैक्सिमम वैल्यू एंड लोकल मिनिमम वैल्यू आ। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आते हैं हम, क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आते हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और यहां एक लिमिट दे रखा गया बाउंड्री की, एक्स की वैल्यू 0 और 2 पाई के बीच में होनी चाहिए, बताएं कैसे करेंगे। यहां भी हम लोग सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट यूज करेंगे, एफ डैश एक्स साइन एक्स मीन्स कॉस एक्स और कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स यानी प्लस साइन एक्स। अब एफ डैश एक्स को 0 के इक्वल इक्वेट करें, क्या आएगा, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू 0 आएगा, तो साइन एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉस एक्स हो गया। तो इसको नीचे ला दें, देखो यहाँ यही गड़बड़ी होती है, तो टेन एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस 1 होगा। देखो साइन एक्स इज इक्वल टू मान लो माइनस कॉस एक्स हो गया, तो इसको ऐसे लिखते हैं, साइन एक्स इक्वल टू माइनस कॉस एक्स इंटू 1 लिखते हैं, तो कॉस एक्स जब नीचे आएगा साइन बाई कॉस एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया, माइनस 1 हो गया। तो टेन एक्स की वैल्यू माइनस 1 होगी, ठीक, तो टेन एक्स की वैल्यू माइनस 1 होगी, तो टेन एक्स इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, माइनस 10 पाई बाई 4। और टेन एक्स की वैल्यू निगेटिव है तो एक्स की वैल्यू कहाँ कहाँ होगी, 10 की वैल्यू निगेटिव यहाँ होती, निगेटिव यहाँ होती, यहाँ पे क्या होता है 10 निगेटिव होता है, 10 निगेटिव होता है, यहाँ यहाँ क्या यूज करते हैं पाई माइनस, यहाँ 2 पाई माइनस यूज करेंगे, तो माइनस 10 पाई बाई 4, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, टेन एक्स इज इक्वल टू माइनस 1, 0 और 2 पाई के बीच में, एक्स की वैल्यू 0 और 2 पाई के बीच में लेना है, तो 0 और 2 पाई के बीच में दो एंगल ऐसे होते हैं जिनके लिए किसी भी टी रेशियो की वैल्यू एक ही होती है, तो एक्स की यहाँ दो वैल्यू आएगी, अगर 0 और 2 पाई के बीच में बात करें तो एक्स की यहाँ दो वैल्यू आएगी, यहाँ एक्स की दो वैल्यू आएगी, ठीक, एक वैल्यू इसमें होगी सेकंड क्वाड्रेंट में और दूसरी वैल्यू क्या होगी फोर्थ क्वाड्रेंट में होगी। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 10 पाई माइनस पाई बाई 4, ये अपने आप हो जाएगा, और या 10 2 पाई माइनस पाई बाई 4 होगा। तो इस तरह से एक्स की वैल्यू क्या आ गई, पाई माइनस पाई बाई 4 क्या हुआ 3 पाई बाई 4, और दूसरा क्या आएगा 7 पाई बाई 4 आएगा, 7 पाई बाई 4 आएगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है भाई, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इसी में सबको दिक्कत होती है, लगभग 80% बच्चों को दिक्कत होती है, क्योंकि 80% बच्चों का ट्रिग्नोमेट्री स्ट्रांग नहीं होता है, इसी में सबसे ज्यादा दिक्कत होती है। एक बार और समझिए, टेन एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 और हम जानते हैं 10 की वैल्यू इसमें इसमें निगेटिव होती है, थर्ड और फोर्थ में निगेटिव होती है, तो थर्ड के लिए क्या यूज करें पाई माइनस 2 पाई माइनस, तो इसको पहले लिख दो माइनस लिख दो और फिर 1, 1 का मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल लिख दो 10 पाई बाई 4, अब इसको लिखेंगे 10 पाई माइनस पाई बाई 4, ये अपने आप माइनस की और 10 पाई बाई 4 के इक्वल हुआ 10 2 पाई माइनस पाई बाई 4, तो अब इसको 10 10 को हटा देंगे, पाई माइनस पाई बाई 4 का मतलब 3 पाई बाई 4 और 2 पाई माइनस पाई बाई 4 का मतलब 7 पाई बाई 4, तो एक्स की वैल्यू क्या है 3 पाई बाई 4 और 7 पाई बाई 4, दीज पॉइंट्स में भी पॉइंट आप क्या होगा लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। अब कैसे टेस्ट करेंगे कि इसमें कौन पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है कौन पॉइंट ऑफ मिनिमा है, अब क्या करेंगे, ये अब डैश एस को अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे, ये अब डबल डैश एक्स फाइंड करें, ये अब डबल डैश एक्स क्या होगा, कॉस का डेरिवेटिव क्या होगा माइनस साइन एक्स और प्लस साइन का डेरिवेटिव कॉस एक्स। अब एक्स इज इक्वल टू 3 पाई बाई 4 पे टेस्ट करते हैं, एट यहां लिख दीजिए एट एक्स इज इक्वल टू 3 पाई बाई 4,
ये आप डबल डैश 3π/4 ऐसे लिखते हैं आप, या आप डबल डैश रख ले, तो -sin 3π/4 और +cos 3π/4, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। cos sin 3π/4 और 3π/4 का मतलब π - π/4, तो sin π - θ क्या होता है, sin θ होता है, सेकंड क्वाड्रेंट है ना, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन पॉजिटिव होता है, तो sin π/4 का मतलब क्या हुआ, 1/√2 होगा। और cos 3π/4 का मतलब, तो 3π/4 का मतलब यही हुआ ना, π - π/4, तो cos π - π/4 क्या होगा, -cos θ, तो -cos π/4 -1/√2 होगा। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, -2/√2 आएगा, यानी ओवरऑल क्या आएगा, -√2 आएगा। तो इसका मतलब x इजिकल टू 3π/4 पे क्या है, ये डबल डैश x का साइन क्या है, निगेटिव है, तो x इजिकल टू 3π/4 इज पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, क्या होगा, इज पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा होगा, लोकल मैक्सिमा क्या होगा, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा होगा। क्यों, क्योंकि x इजिकल टू 3π/4 पे f डबल डैश की वैल्यू क्या आ रही है, निगेटिव आ रही है, तो x इजिकल टू 3π/4 क्या होगा, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा होगा। अब सेकंड पे आते हैं, x एट x इजिकल टू 7π/4 या f डबल डैश x, या f डबल डैश 7π/4 रखो, या f डबल डैश x कहाँ, ये तो -7π/4 अब +cos 7π/4, -7π/4 क्या होगा, 7π/4 का मतलब ये होता है, देखो यहाँ 2π - π/4, तो sin 2π - θ, sin 2π - θ क्या होता है, sin 2π - θ क्या होता है, -sin θ, -sin θ, यानी माइनस क्या होगा, ये π/4 होगा, -π/-sin π/4 -1/√2 होगा। और cos 7π/4 का मतलब cos 2π - θ, cos 2π - θ का मतलब होता है cos θ, यानी cos π/4, cos π/4 की वैल्यू 1/√2, तो ये +1/√2 +1/√2, तो क्या आ गया, ओवरऑल क्या हो गया, ये अब डबल डैश 7π/4 की वैल्यू क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है, देयरफॉर x इजिकल टू 7π/4 इज पॉइंट ऑफ लोकल लोकल मिनिमा। तो लोकल मिनिमा आ गया और लोकल मैक्सिमा आ गया। अब क्या निकाले, फंक्शन की लोकल मैक्सिमम वैल्यू, लोकल मैक्सिमम वैल्यू इज, डायरेक्ट लिख दीजिए, मैक्सिमम लोकल मैक्सिमम वैल्यू इज क्या होगा, कहां से निकालेंगे, यहां से, फंक्शन से, यहां से निकालेंगे, यानी यप 3π/4 हो गया, यप 3π/4 क्या होगा, sin 3π/4 -cos 3π/4। sin 3π/4 की वैल्यू कहां से आएगा, देखो यहां sin 3π/4 की वैल्यू 1/√2 दी गई है, 1/√2, और यहां cos 3π/4 की वैल्यू क्या है, -1/√2, तो प्लस हो जाएगा 1/√2, तो 2/√2 होगा, यानी √2 होगा, तो लोकल मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो गई, √2 हो गई। अब यहां निकाली लोकल मिनिमम वैल्यू, लोकल मिनिमम वैल्यू इस क्या होगा, यफ 7π/4, यफ ऑफ 7π/4, यानी sin 7π/4 क्या लिखेंगे, sin 7π/4 और -cos 7π/4। sin 7π/4 की वैल्यू क्या होती है, निगेटिव होती है, यहां देखो sin 7 -1/√2 -1/√2, और cos 7π/4 की वैल्यू भी 1/√2 होती, -2/√2, यानी -√2 होगा। तो लोकल मिनिमम वैल्यू ये हो गई और लोकल मैक्सिमम वैल्यू ये हो गई।
ये लोकल मैक्सिमम वैल्यू है, ये लोकल मिनिमम वैल्यू है, ठीक। तो इस तरह से फंक्शन की लोकल मैक्सिमम वैल्यू, लोकल मिनिमम वैल्यू निकालेंगे। तो ये रहा सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट के हेल्प से क्या निकाला गया, फंक्शन की लोकल मैक्सिमम वैल्यू, लोकल मिनिमम वैल्यू निकाली गई थी। थर्ड क्वेश्चन था एक और, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स रूट वन माइनस एक्स, जबकि एक्स की वैल्यू 0 और 1 के बीच में लाई करेगी। ये अब डैश एक्स निकालिए, कैसे करेंगे इसको, प्रोडक्ट टूल से करेंगे। एक्स कांस्टेंट इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ रूट वन माइनस एक्स प्लस रूट वन माइनस एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, एक्स हो गया। और रूट वन माइनस एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स, और फिर डी बाई डी एक्स ऑफ वन माइनस एक्स, 1 का 0 माइनस 1 हो जाएगा, और प्लस रूट वन माइनस एक्स और एक्स का डेरिवेटिव 1 हो गया, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स बाई 2 √1 - x हो गया, और प्लस रूट वन माइनस एक्स हो गया, तो 2 √1 - x एलसीएम होगा, माइनस एक्स प्लस क्या होगा 2 × 1 - x हो जाएगा। इसको और सॉल्व कीजिए, तो माइनस एक्स प्लस 2 - 2x अपॉन क्या होगा 2 √1 - x। तो ये डैश एक्स की वैल्यू कितनी हुई, 2 − 3x अपॉन क्या होगा 2 √1 - x। अब ये डैश एक्स को 0 के इक्वल इक्वेट करें तो क्या होगा 2 − 3x अपॉन 2 √1 - x इज इक्वल टू 0, ये 0 में चला जाएगा, तो 2 − 3x इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या होगी 2/3 होगी, x की वैल्यू क्या होगी 2/3 हो गई। f डैश x यही है। अब यहां पे हम लोग चूंकि x की एक ही वैल्यू आ रही है तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट यूज करें, वो ज्यादा आसान रहेगा, क्योंकि इसको सेकंड टाइम डिफ्रेंशिएट करना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा। तो यहां पे फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट यूज करेंगे, यहां क्या यूज करेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट यूज करेंगे। नाउ वी यूज फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। एक्स इज इक्वल 2/3, एक्स की वैल्यू 2/3 से लेस लेते हैं तो एफ डैश एक्स का साइन क्या होगा, 2/3 से लेस, यहां बना दे रहे हैं कि बाउंड्री इसकी 0 और 1 के बीच में है, ध्यान देना इसकी बाउंड्री 0 और ये 2/3, 2/3 से लेस, 0.5 लेते हैं, क्या लेते हैं 2/3 से लेस कोई वैल्यू ले लो, इमेजिन करो 0.5 ले लो, 0.5 इसे पुट करो, 2 − 3 × 0.5 अपान, ये तो वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव ही होगी, ये ऑलवेज क्या होगा पॉजिटिव ही होगा, तो एफ डैश एक्स का साइन क्या होगा 2 − 1.5 होगा, यानी क्या है पॉजिटिव आएगा, 2 − 1.5 क्या आएगा, ये 2 − 1.5 आएगा, 2 − 1.5 क्या आएगा 0.5, यानी ओवरऑल पॉजिटिव होगी। अब एक्स इज ग्रेटर देन 2/3 के लिए क्या होगा, एफ डैश एक्स 2/3 से ग्रेटर है, 2/3 से जो ग्रेटर क्या 0.9 ले लो आप, 0.9 ले लो, 0.9 पुट करें, 2 माइनस क्या हो 3 × 0.9, 2 − 3 × 0.9 बाई, ये तो पॉजिटिव रहेगी, यानी ओवरऑल ये निगेटिव आ रही है, ओवरऑल ये निगेटिव आ रही है, ठीक। तो यहां देखो साइन एफ डैश एक्स का साइन क्या हो रहा है, निगेटिव से पॉजिटिव हो रहा, पॉजिटिव से निगेटिव हो रहा है, यहां लिख दे रहे हैं सिंस साइन ऑफ एफ डैश एक्स चेंजेस फ्रॉम पॉजिटिव टू निगेटिव, देयर फोर एक्स इज इक्वल टू 2/3 इज पॉइंट ऑफ
लोकल मैक्सिकन, ठीक, लोकल मैक्सिकन, देयर फॉर लोकल मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन इज एट यक्स इक्वल टू बाई थ्री या एफ ऑफ टू बाई थ्री। कहाँ रखेंगे? एफ ऑफ टू बाई थ्री की वैल्यू इसे पुट करेंगे, टू बाई थ्री इंटू रूट वन माइनस टू बाई थ्री, या टू बाई थ्री इंटू वन बाई थ्री होगा, यानी क्या आएगा, टू बाई थ्री रूट थ्री। ये क्या होगी? लोकल मैक्सिमम वैल्यू होगी, और फंक्शन की कोई मिनिमम वैल्यू नहीं है, क्योंकि एफ डैशेस को जीरो के इक्वल इक्वेट करने पे एक ही वैल्यू आ रही है। तो ये इसका मतलब क्या हुआ, चाहे वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो चाहे वो पॉइंट ऑफ मिनिमा हो, लेकिन यहाँ चूंकि पॉइंट ऑफ मैक्सिमा था तो एक ही मैक्सिमम वैल्यू आएगी, इसकी कोई मिनिमम वैल्यू नहीं होगी। ठीक, तो ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट, थर्ड टाइप का क्वेश्चन है एक, ये प्रूव दैट फॉलोइंग फंक्शन हैव डू नॉट मैक्सिमा एंड मिनिमा। इस टाइप के क्वेश्चन, ए एफ एक्स इज इक्वल टू ई टू पावर एक्स, बी पार्ट एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। शो करना है इस फंक्शन की कोई ना तो मैक्सिमम वैल्यू है, शो करना है कि ये फंक्शन हैव डू नॉट मैक्सिमा एंड डू नॉट मिनिमा, यानी फंक्शन का कोई ना तो मैक्सिमा है ना तो कोई मिनिमा है, ना तो कोई मैक्सिमम पॉइंट है ना तो कोई मिनिमम पॉइंट है। कैसे करेंगे? एफ एक्स लिखेंगे, एफ एक्स इज इक्वल टू ई टू पावर एक्स, एफ डैश एक्स क्या होगा, ये भी ई टू पावर एक्स होगा। एफ डैश एक्स को जीरो के इक्वल इक्वेट करेंगे, ई टू पावर एक्स इज इक्वल टू जीरो, क्या पाएंगे? एक्स की किसी भी वैल्यू के लिए ई टू पावर एक्स की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती, देयर इज नो रियल वैल्यू ऑफ, देयर इज नो रियल वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच ई टू पावर एक्स इज जीरो। एक्स की कोई भी रियल वैल्यू नहीं है जिससे कि ई टू पावर एक्स क्या हो, जीरो हो, ई टू पावर एक्स जीरो, यानी एक्स की कोई रियल वैल्यू नहीं मिलेगी। ठीक, इंप्लाइज दैट क्या लिखेंगे, एक्स हैज नो रियल वैल्यू, एक्स हैज नो रियल वैल्यू, नो रियल वैल्यू। जब एक्स की कोई वैल्यू नहीं होगी तो क्या होगा, देयर आर नो नो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, नो पॉइंट ऑफ मिनिमा, देन देयर आर या फंक्शन डू नॉट हैव, फंक्शन डू नॉट हैव मैक्सिमा एंड मिनिमा, मैक्सिमा एंड मिनिमा, यानी फंक्शन का कोई मैक्सिमा एंड मिनिमा नहीं है। ठीक, ये रहा ए को पार्ट, बी पार्ट एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। इसको डिफ्रेंशिएट करो, एफ डैश एक्स क्या होगा, थ्री एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन। एफ डैश एक्स को जीरो के इक्वल इक्वेट करो तो क्या होगा, थ्री एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। कैसे इसको प्रूव करेंगे कि एक्स की कोई रियल वैल्यू नहीं होगी? इसका डिस्क्रिमिनेंट चेक कर लें, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, टू का स्क्वायर माइनस फोर इंटू ए कितना है, तीन, फोर माइनस ट्वेल्व यानी लेस देन इक्वल लेस देन जीरो, लेस देन जीरो, यानी इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या है, निगेटिव है। इसका मतलब क्या होगा, इसकी कोई रियल वैल्यू नहीं होगी, देयर इज नो रियल वैल्यू ऑफ एक्स, देयर इज नो रियल वैल्यू ऑफ एक्स, देयर फोर फंक्शन एफ एक्स डू नॉट हैव
डू नॉट हैव मैक्सिमा एंड मिनिमा, यानी फंक्शन की कोई मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू नहीं है। ये देखो छोटे छोटे क्वेश्चन है जो कि ये एक एक नंबर दो दो नंबर में आ सकते हैं, तो ये कॉन्सेप्ट होना चाहिए आपका ये कि जैसे क्या इस फंक्शन का कोई मैक्सिमम या कोई मिनिमम वैल्यू नहीं। जैसे ई टू पावर एक्स इज इक्वल टू जीरो, तो एक्स हैज नो रियल वैल्यू, क्योंकि कोई भी ऐसी रियल वैल्यू नहीं है कि जिसके लिए ई टू पावर एक्स की वैल्यू जीरो, देयरफॉर फंक्शन डू नॉट हैव। यहाँ भी क्या है, यहाँ इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स की कोई रियल वैल्यू नहीं मिलेगी, इमेजिनरी वैल्यू मिलेगी, क्योंकि बी स्क्वायर माइनस फोर एसी क्या है, जीरो से लेस है। अब आते हैं हम लोग ये पढ़ते हैं कि एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू इन क्लोज इंटरवल, यानी किसी फंक्शन की एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू किसी क्लोज इंटरवल में कैसे फाइंड करते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर। ठीक, किसी फंक्शन की एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू किसी क्लोज इंटरवल में कैसे फाइंड करते हैं, जैसे एफ एक्स इज इक्वल टू फोर एक्स माइनस हाफ एक्स स्क्वायर और एक्स बिलोंग्स टू माइनस टू टू नाइन बाई टू, क्या निकालना है क्लोज इंटरवल। ठीक, फाइंड एब्सोल्यूट, फाइंड एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू एंड एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू, सॉरी एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन, यानी फंक्शन की एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू किसी क्लोज इंटरवल में कैसे फाइंड करेंगे। इसका एक अलग तरीका होता है, किसी फंक्शन की एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू किसी क्लोज इंटरवल में कैसे फाइंड करते हैं। एक बार और सुन लीजिए, किसी फंक्शन की किसी क्लोज इंटरवल में एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, इसका क्या प्रोसीजर है। तो पहले आपको रफली बताते हैं, पहले एफ एक्स लिखते हैं, फिर एफ डैस एक्स लिखते हैं, फिर पहले एफ एक्स लिखेंगे, फिर इसका डेरिवेटिव लिखेंगे, उसके डेरिवेटिव को जीरो के इक्वल इक्वेट करेंगे तो एक्स की वैल्यू आएगी, तो एक्स की ये जो एक्सट्रीम वैल्यू आएगी इन दोनों वैल्यू पे और इन दोनों पॉइंट पे जो इंटरवल हैं क्लोज इंटरवल इन दोनों के एंड पॉइंट पे, तो कुल कितने पॉइंट्स हो गए, चार पॉइंट्स हो गए। इन चारों पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं और इन चारों पॉइंट इन चारों वैल्यू में से जो वैल्यू सबसे बड़ी होगी, जो वैल्यू सबसे बड़ी होगी वही एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू होगी और जो वैल्यू सबसे छोटी होगी वही एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू होगी। ये क्लियर हो गया, किसी फंक्शन का एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू किसी क्लोज इंटरवल में निकालनी है तो क्या करेंगे, सबसे पहले फंक्शन लिखेंगे, फिर उसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे और फिर डेरिवेटिव फाइंड करने के बाद क्या मिलेगा तुम्हें, बोलो एफ डैस एक्स मिलेगा, फिर एफ डैस एक्स को जीरो के इक्वल इक्वेट करेंगे तो वहाँ एक्स की वैल्यू आएगी। हो सकता है कि एक्स की वैल्यू दो आए, चार आए, दस आए, बीस आए, ये भी हो सकता है ना। अगर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है तो क्या होगी, दो ही वैल्यू आएगी, अगर क्या है लीनियर एक्सप्रेशन है तो एक ही वैल्यू आएगी, क्यूबिक एक्सप्रेशन है तो तीन वैल्यू आएगी। तो मान लो क्वाड्रेटिक लीनियर एक्सप्रेशन है तो क्या एक ही वैल्यू आएगी, तो एक वैल्यू ये, और क्लोज इंटरवल के दोनों जो एंड पॉइंट हैं ये दो पॉइंट, इन तीनों पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे। यानी यहाँ पे टेस्ट करने की जरूरत नहीं है कि ये एफ डैश एस को जीरो के इक्वल इक्वेट करने के बाद से एक्स की जो वैल्यू आएगी, तो यहाँ पे यह टेस्ट करने की जरूरत नहीं है कि वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा या पॉइंट ऑफ मिनिमा होगा। अब क्या करेंगे, वो पॉइंट और क्लोज इंटरवल के ये दोनों पॉइंट यानी इन तीनों पॉइंट को लेके फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे। चले शुरुआत करते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, फोर एक्स माइनस हाफ एक्स स्क्वायर, एफ डैश एक्स लिखे आप, क्या होगा फोर माइनस हाफ इंटू टू एक्स, टू टू कट जाएगा, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू क्या होगा फोर माइनस एक्स होगा, एफ डैश एक्स को जीरो के इक्वल इक्वेट करो, फोर माइनस एक्स इज इक्वल टू जीरो, तो एक्स की वैल्यू फोर। अब ये भी देखना है क्या एक्स इज इक्वल टू फोर इसके बीच में लाई कर रहा है कि नहीं, तो लाइज इन फोर टू, लाइज इन
माइनस टू कामा नाइन बाई टू इसमें लाई करता है, इसको शामिल करेंगे तो चार ये और दो पॉइंट ये। नाउ वी इवेलुएट, नाउ वी इवेलुएट द वैल्यू ऑफ एफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू फोर और दोनों एंड पॉइंट माइनस टू कामा नाइन बाई टू। तो एफ फोर फाइंड करो और एफ ऑफ माइनस टू फाइंड करो और एफ ऑफ नाइन बाई टू फाइंड करो। एफ फोर पे वैल्यू कितनी होगी इसी में पुट करना, इसी में फोर इंटू फोर माइनस वन बाई टू, फोर का स्क्वायर तो 16 माइनस क्या हुआ 8, यानी ये 8 होगा। एफ ऑफ माइनस टू क्या हुआ 4 इंटू माइनस टू, माइनस हाफ इंटू माइनस टू का स्क्वायर क्या आएगा माइनस 8 माइनस 2 आएगा माइनस 10 होगा। 9 बाई टू क्या होगा 4 इंटू 9 बाई टू माइनस हाफ इंटू 9 बाई टू का होल स्क्वायर कितना होगा ये 18 हो जाएगा माइनस 81 बटे 8 होगा, 18 बटे 144 बटे 8 हो गया, 44 माइनस 81 बटे 8 हो गया। 144 में से 81 घटाएंगे 3 6 और इसकी वैल्यू कितनी 7.99 आएगी समथिंग, ठीक। तो सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, ये सबसे बड़ी वैल्यू होगी कैपिटल एम और ये सबसे छोटी वैल्यू स्मॉल एम, स्मॉल एम ये सबसे बड़ी वैल्यू है और ये सबसे छोटी वैल्यू है। ये वैल्यू क्या है, ये इन तीनों में सबसे बड़ी वैल्यू क्या है 8 है। Therefore, absolute maximum value of function at x is equal to 4 is क्या होगा f4 की value कितनी आई है 8 आई है और absolute minimum value of fx एट एक्स इज इक्वल टू माइनस टू क्या हो एफ ऑफ माइनस टू, एफ ऑफ माइनस टू की वैल्यू कितनी हो गई माइनस टेन। तो यही एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू होगी और यही एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू होगी। अब हम लोग आगे बढ़ते व्हाट प्रॉब्लम बेस्ड ऑन मैक्सिमा एंड मिनिमा, व्हाट प्रॉब्लम बेस्ड ऑन मैक्सिमा एंड मिनिमम, व्हाट प्रॉब्लम। पहला क्वेश्चन व्हाट प्रॉब्लम का छोटा सा क्वेश्चन है, फाइंड टू पॉजिटिव नंबर, फाइंड टू पॉजिटिव नंबर्स, फाइंड टू पॉजिटिव नंबर्स हुज सम इज 16 एंड सम ऑफ हुज क्यूब्स एंड सम ऑफ हुज क्यूब्स सम ऑफ हुज क्यूब्स इज मिनिमम। दो पॉजिटिव नंबर फाइंड करना है जिसके सम 16 है और किसको मिनिमाइज करना है, दोनों नंबर के क्यूब के सम को मिनिमाइज करना है। तो अगर ऐसे वर्ड प्रॉब्लम जो मैक्सिमा और मिनिमा पे बेस्ड हैं उनको कैसे सॉल्व करेंगे, पहले हमें क्या फाइंड करना है उसको लिख के, क्या फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, क्या दिया हुआ है, किसको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है, इन तीन बातों का ख्याल रखना पड़ेगा।
क्या फाइंड करना है। जो भी क्वांटिटी फाइंड करनी होती है उन क्वांटिटी को क्या कहते हैं, अननोन क्वांटिटी। और जो अननोन क्वांटिटी होते हैं यही वेरिएबल्स होते हैं, और जो नोन क्वांटिटी होते हैं ये कांस्टेंट कहलाते हैं। मैक्सिमा मिनिमा में क्या है, जो क्वांटिटी फाइंड करनी है उसको हम लोग अननोन क्वांटिटी कहते हैं और अननोन क्वांटिटी को वेरिएबल कहते हैं। ठीक, वेरिएबल कहते हैं। और जो गिवेन होता है ये क्या करता है, उसी अननोन क्वांटिटी के बीच एक रिलेशन एस्टेब्लिश करता है। जैसे यहां क्या है, फाइंड टू पॉजिटिव नंबर है, तो मान लेंगे लेट टू पॉजिटिव नंबर्स बी, टू पॉजिटिव नंबर्स बी एक्स एंड वाई, दो पॉजिटिव नंबर एक्स एंड वाई है, तो इन दोनों का सम ये गिवन है। सम कितना है, 16 है। तो सम क्या कर, जो गिवन है ये एक तरह से गिवन है, तो गिवन क्या करता है, वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन, ये वेरिएबल्स हो गए, एक्स और वाई क्या हो गए, वेरिएबल्स हो गए। जो अननोन होते हैं वो वेरिएबल्स कहलाते हैं, यानी अननोन क्वांटिटी, अननोन क्वांटिटीज आर कॉल्ड वेरिएबल्स, वेरिएबल्स, अननोन क्वांटिटी को वेरिएबल्स कहते हैं। x और y अननोन क्वांटिटी, कह रहा हूं दोनों पॉजिटिव नंबर का सम 16 है, तो x प्लस वाई इक्वल टू 16 हो गया। यानी ये जो गिवन जो दिया रहता है, जो भी चीज दिया रहता है वो क्या करता है, वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन एस्टेब्लिश करता है। तो इन दोनों वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन क्या है, इन दोनों का सम 16 है। इससे फायदा क्या है, दोनों वेरिएबल में से एक वेरिएबल की वैल्यू अगर दूसरे वेरिएबल की टर्म में निकालनी है तो यही गिवन ही यूज करते हैं। ठीक हो गया। अब किसको मैक्सिमाइज करना है या मिनिमाइज करना है, सम को, क्यूब के सम को मिनिमाइज करना, वी हैव टू मिनिमाइज सम ऑफ क्यूब्स ऑफ नंबर, क्यूब्स ऑफ नंबर, नंबर्स के क्यूब को मिनिमाइज करना है। तो उसको कुछ सम को मिनिमाइज करना है, सम का मतलब नंबर के क्यूब्स को, उसको मान लेते हैं हम लोग कैपिटल एस, कैपिटल एक्स इज इक्वल टू क्या हो, फर्स्ट का क्यूब प्लस सेकंड का क्यूब, इसी को मिनिमाइज करना, यही मेन फंक्शन है, यही फंक्शन है। मैक्सिमा मिनिमा में क्या होता है, एक फंक्शन ही तो होता है, एफ एक्स होता है। तो यहाँ पे एफ एक्स का रोल कौन प्ले करेगा, यस करेगा, क्योंकि यस को ही मिनिमाइज करना है। यस क्या है, दोनों नंबर के क्यूब का सम है, दोनों नंबर के क्यूब के सम को मिनिमाइज करना है। तो यस यहाँ पे क्या फंक्शन हो गया, एफ एक्स हो गया। आपने देखा होगा कि एफ एक्स जो होता है वो सिंगल वेरिएबल के टर्म में होता है, सिंगल एफ एक्स इज इक्वल टू, जैसे मान लो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू फाइंड कर, तो सिंगल वेरिएबल में होता ना, दो वेरिएबल वाला तो होता नहीं, डबल वेरिएबल तो होता नहीं, तो इसको सिंगल वेरिएबल में क्या करेंगे, इसको सिंगल वेरिएबल में चेंज करेंगे, इसको सिंगल वेरिएबल में लाने का प्रयास करेंगे। यानी यहाँ जो बदलाव करेंगे क्या करेंगे, इसको सिंगल वेरिएबल के टर्म में इसको, क्योंकि यहाँ x और y दोनों वेरिएबल है ना, और फंक्शन को क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करना है, तो किसी एक वेरिएबल के रेस्पेक्ट में करना है, तो दो दो वेरिएबल होगा तो दिक्कत तो आएगी ही। तो इसको सिंगल वेरिएबल के टर्म में लिखें, या तो एक्स के टर्म में या तो वाई के टर्म में। तो क्यों ना हम लोग एक्स के टर्म में, क्योंकि हमारी आदत जो है वो एक्स के टर्म में ज़्यादा है, एक्स के टर्म में डिफ्रेंशिएट करने की ज़्यादा है, इसलिए इसको एक्स के टर्म में हम लोग चेंज करें, एक्स क्यूब हो जाएगा, और वाई के प्लेस पे क्या लिखेंगे, 16 माइनस एक्स का होल क्यूब। अभी हमने बताया ना गिवन क्या करता है, वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन एस्टेब्लिश करता है। यहाँ जो एक सिंगल वेरिएबल में ठीक बदलने की बात हो रही है, ये गिवन के ही हेल्प से ही बदला गया है, यानी एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे वेरिएबल के टर्म में निकाली गई है। अब क्या करें, अब तो यस हो गया ना, अब ये फाइंड करना है कि यक्स की किस वैल्यू के लिए ये डी टू यस बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी। तो यक्स की जिस वैल्यू के लिए डी टू यक्स बाई डी एक्स डी टू एस बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव हो गई, तो यक्स की उस वैल्यू के लिए यस क्या होगा, मिनिमम होगा, और यही हमारा टारगेट है,
कि यक्स के किस वैल्यू के लिए यस मिनिमम है, तो यक्स यक्स के जिस वैल्यू के लिए यस मिनिमम है यक्स की वैल्यू वही होगी, यानी वो नंबर मिल गया, क्योंकि दो नंबर ही फाइंड करना ना, यक्स और वाई। तो यक्स जब आ गया तो यक्स की वैल्यू इसे पुट कर दे, वाई आ जाएगा। तो इस तरह से यानी हमें ये फाइंड करना, हमारा मेन ऑब्जेक्ट क्या है कि यक्स और वाई के किस वैल्यू के लिए यस जो है मिनिमम होगी। यक्स की जिस वैल्यू के लिए यस मिनिमम होगी ठीक, तो यक्स की वैल्यू वही होगी, जब यक्स की वैल्यू आ जाएगी तो वाई की वैल्यू आएगी। हमें यही फाइंड करना ना इसमें कि यक्स की किस वैल्यू के लिए यस मिनिमम होगा, यक्स और वाई के किस किस वैल्यू के लिए यस मिनिमम होगा, तो वही फाइंड करने जा रहे हैं। अब इसको क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम लोग फर्स्ट यहाँ पे सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट यूज करेंगे। तो डी एस वाई पहले डी एक्स निकाले, क्या हो जाएगा, 3x² प्लस 3 × 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और फिर 16 − x का क्या होगा, -1। फिर इसको लिख लो 3x² माइनस 3 × 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, फिर कर दो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि d2s/dx² 6x हो जाएगा, यहाँ भी 6 हो जाएगा, 16 − x हो जाएगा, और फिर 16 − x को डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 3 × 2x, और इसका 3 × 2 × 16 − x, और फिर 16 − x का क्या होगा, -1 होगा। तो क्या आएगा, 6x प्लस हो जाएगा 6 × 16 − x, क्या आएगा, 6x 16 × 6 = 96 -6x, तो क्या आएगा, 96 आ गया है। यानी ये पहले ही शो कर रहा है कि हम पॉजिटिव हैं, x की वैल्यू कुछ भी डालो तो हम पॉजिटिव रहेंगे। ठीक, अब क्या करेंगे इसके बाद, अब dx/dx को 0 के इक्वल इक्वेट करो। नाउ डीएस बाई फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा dx/dx इज इक्वल टू 0, तो 3x² माइनस 3 × 16 − x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, 3 से डिवाइड कर दो, x² माइनस 16 − x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, सॉल्व करो, x² माइनस 256 माइनस x² माइनस प्लस 32x हो जाएगा। देख लेना इसको, x का होल स्क्वायर कर, ये कैंसिल होगा, तो x की वैल्यू आएगी 32x इज इक्वल टू 256 हो जाएगा, x की वैल्यू क्या हो गई, 8 हो गई। यहां बता रहे हैं आपको, अब x इज इक्वल टू 8 के लिए क्या होगा, d2s/dx² को चेक करें, ये तो पहले ही 96 शो कर दे रहा है, ये डर गया है कि हम तो है ही पहले से पड़े हुए हैं, हम तो पॉजिटिव है ही हैं, हमें क्या चेक करना है। ठीक, तो x इज इक्वल टू 8 पे क्या होगा, d2s/dx² की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, देयर फोर एट x इज इक्वल टू 8, एट x इज इक्वल टू 8 यस इज मिनिमम। थोड़ा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, एट यक्स इज इक्वल टू 8 यस इज मिनिमम, यस इज मिनिमम या यस इज मिनिमम व्हेन x इज इक्वल टू 8, तो x इज इक्वल टू 8 है तो y इज इक्वल टू क्या होगा, 16 − x था, तो 16 − 8 ये भी 8 हो गया, देयरफॉर नंबर्स आर 8, 8 नंबर हुए, ये दो नंबर हुए। व्हाट प्रॉब्लम का दूसरा क्वेश्चन बताने जा रहा है, ए स्क्वायर पीस ऑफ टिन सेट, ए स्क्वायर पीस ऑफ टिन प्लेट ऑफ टिन ऑफ साइड 18 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर है, इज टू बी मेड इंटू ए ओपन बॉक्स बाय कटिंग
ओपन बॉक्स बाय कटिंग ए स्क्वायर बाय कटिंग ए स्क्वायर कटिंग ए स्क्वायर फ्रॉम ईच कॉर्नर फ्रॉम ईच कॉर्नर ऑफ सीट वही पी सीट यानी सीट के चारों कॉर्नर से एक एक स्क्वायर कट किया जाता है ठीक ईच कॉर्नर ऑफ सीट एंड फोल्डिंग ऑफ द फ्लैप्स फोल्डिंग ऑफ द फ्लैप्स फ्लैप्स को जो फ्लैप्स निकले हुए इसको फोल्ड किया जाता है टू फॉर्म ए बॉक्स टू फॉर्म ए बॉक्स फॉर्म द बॉक्स ठीक व्हाट शुड बी द व्हाट शुड बी द साइड ऑफ स्क्वायर साइड ऑफ स्क्वायर ठीक टू बी कट ऑफ सो दैट वॉल्यूम ऑफ बॉक्स वॉल्यूम ऑफ बॉक्स इज मैक्सिमम। ये भाई क्वेश्चन है आपका। ये मान लो क्या है एक स्क्वायर पीस है टिन का, ये टिन है ये टिन है ये टिन है ये टिन है, इससे एक ओपन बॉक्स बनाना है बाय कटिंग ए स्क्वायर फ्रॉम ईच कॉर्नर, चारों को कोनों से एक स्क्वायर कट कर दिया जाता है यहां से यहां से यहां से और यहां से, चारों कोनों से एक स्क्वायर ठीक एक कट कर दिया जाता है। मान लो कट किया गया, कट करने के बाद से मान लो इस तरह का फिगर आया समझ में, ये फिगर आया कट करने के बाद से मान लो ये आया ये आ गया, ये जो फ्लैप्स निकले हैं इनको फ्लैप्स कहते हैं, ये फ्लैप्स होते हैं, ये जो होते हैं फ्लैप्स होते हैं, ये फ्लैप्स होते हैं, ये क्या होते हैं फ्लैप्स होते हैं, फ्लैप्स को उठा दिया जाता है फोल्डिंग अप फोल्ड करके उठा दिया जाता है यानी इस शेप में आ जाएगा, ये ओपन बॉक्स बन गया। अब इस ओपन बॉक्स का ये कह रहा है कि इसके चारों कोनों से जो स्क्वायर कट किया जाता है उसका साइड कितना होना चाहिए, मान लो इसका साइड एक्स होना चाहिए, लेट साइड ऑफ स्क्वायर टू बी कट ऑफ कॉर्नर ऑफ सीट बी एक्स सेंटीमीटर एक सेंटीमीटर, देन डायमेंशन ऑफ बॉक्स क्या होगा, जैसे लेंथ कितनी हो जाएगी, ये लेंथ कितनी हो गई, ये लेंथ ये हो गई, ये लेंथ हो गई 18 माइनस टू एक्स, यही लेंथ होगा और ये ब्रेथ होगा, ब्रेथ भी 18 माइनस टू एक्स होगी, 18 माइनस टू एक्स होगी, क्यों, क्योंकि ये एक्स और ये एक्स जो है कट कर दिया था तो लेंथ यही होगा लेंथ ना, ये लेंथ हो गया ये ब्रेथ हो गया। जैसे मान लो ये ए है ये बी है ये सी है ये डी है, यहाँ दिखा रहे हैं ये ए हो गया ये बी हो गया ये सी हो गया ये डी हो गया, तो ए बी की लेंथ कितनी हो गई 18 माइनस टू एक्स, ब्रेथ भी इसकी 18 माइनस टू एक्स, और इसकी हाइट कितनी हो गई, हाइट यही हाइट हो गई, ये पोर्शन हाइट हो जाएगा एक्स होगा हाइट, ये भी एक्स ये भी हाइट हो गया हाइट एक्स हो गया। अब किसको मैक्सिमाइज करना है, बॉक्स के वॉल्यूम को, बॉक्स कैसा है क्यूबॉइडल शेप में है, वी हैव टू मैक्सिमाइज वॉल्यूम ऑफ बॉक्स, तो वॉल्यूम ऑफ बॉक्स इज वॉल्यूम ऑफ बॉक्स क्या होगा क्यूबॉइड एल बी एच हो गया, एल के प्लेस पे 18 माइनस टू एक्स, बी के प्लेस पे भी 18 माइनस टू एक्स
और एच के प्लेस पे क्या होगा, एक्स हो गया। तो 18 माइनस 2 एक्स का होल स्क्वायर इंटू एक्स क्या होगा, 324 प्लस 4 एक्स स्क्वायर माइनस 72 एक्स इंटू एक्स। तो वी इक्वल टू क्या हो गया, 4 एक्स क्यूब माइनस 72 एक्स स्क्वायर प्लस 324 एक्स। अब क्या करें, यानी इसी को मैक्सिमाइज करना है। अब ये पता करना है x की किस वैल्यू के लिए वैल्यू मैच होंगे, dv बाई डी एक्स निकाल लें। 12 एक्स स्क्वायर माइनस 144 एक्स प्लस 324, फिर डी टू वी बाई डी एक्स स्क्वायर भी निकाल लें, 24 एक्स माइनस 144 हो जाएगा। अब dv बाई डी एक्स को जीरो के इक्वल इक्वेट करें, तो 12 एक्स स्क्वायर माइनस 144 एक्स प्लस 324 इक्वल टू जीरो। 12 से डिवाइड कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस 12 एक्स, अब प्लस कितना होगा, 12 दूनी 24, तो एक्स स्क्वायर माइनस 12 एक्स प्लस 27 इक्वल टू जीरो। तो एक्स स्क्वायर माइनस 12 एक्स प्लस 27 इक्वल टू जीरो, तो एक्स माइनस 3 होगा, एक्स माइनस 9 होगा। तो एक्स की वैल्यू 3 हो गई, एक्स की वैल्यू 9 हो गई। तो कौन सी वैल्यू होगी, कौन सी जेन्युइन वैल्यू होगी, ये जेन्युइन वैल्यू हो सकती है, क्योंकि एक्स इजिकल टू 9 तो हो नहीं सकता है, क्योंकि 18 सेंटीमीटर उसकी लेंथ ब्रेथ है, तो 18 है तो पूरा कट हो जाएगा, तो 3 ही होगी। अब एक्स इजिकल टू 3 पे हम लोग क्या टेस्ट करते हैं, डी टू वी बाई डी एक्स स्क्वायर को टेस्ट करते हैं। पुट करें, 24 इंटू 3 माइनस 144, 72 माइनस 144 क्या आएगा, निगेटिव आएगा। तो एक्स इजिकल टू 3 पे क्या होगा, वॉल्यूम इज मैक्सिमम, देयरफॉर वॉल्यूम इज मैक्सिमम व्हेन एक्स इजिकल टू 3 सेंटीमीटर, देन साइड ऑफ स्क्वायर टू बी कट ऑफ कॉर्नर ऑफ सीज कितना होना चाहिए, 3 सेंटीमीटर, ये आपका। ठीक, तो इस तरह से मैक्सिमम मिनिमा के दो वर्ड प्रॉब्लम पूरे हुए। ठीक, मैक्सिमा एंड मिनिमा का ये टॉपिक आज यहीं पे फिनिश कर रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग इंटीग्रेशन के बारे में पढ़ेंगे।